नमस्कार दोस्तों, मैं सुमनी गौतम गौतम कुंड शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी देश के अंदर उसके बारे में, और उससे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हर एक जानकारी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारे देश में 1975 में 1975 में इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। तो उससे संबंधित हम आज फैक्ट के बारे में बात करेंगे। ईयर 1975, देश भारत हमारे देश में लगी थी। उसमें जो राष्ट्रपति थे हमारे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। आप नाम याद रखना, पेपर एग्जाम में पूछ ले जाता है। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, जिन्होंने इमरजेंसी लगवाई थी। आपातकाल की अवधि क्या थी दोस्तों? 25 जून को ये लगाई गई थी, 25 जून 1975 को, और 21 मार्च 1977 तक चली थी, पूरे 21 महीने ये इसकी ड्यूरेशन है दोस्तों। कारण क्या दिया गया था उसका, जो इंदिरा गांधी जी ने दिया था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक असुरक्षा या अशांति। उस समय जो कानून मंत्री थे वो थे हरिराम गोखले। ये फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब आप इसका कारण समझ लीजिए दोस्तों। एक्चुअली हुआ क्या था, 1971 में, 1971 में जब बांग्लादेश बना और यहाँ पे हमारे जनरल इलेक्शन हुए, तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई। और उसमें दोस्तों हुआ क्या, जो इंदिरा गांधी जी जिस सीट से एमपी लड़े थे वो थी आपकी रायबरेली की सीट। और यहाँ पे जो उनके अपोजिट थे जिनका नाम था राज नारायण, इन्होंने ये आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी जी गलत तरीके से जीतती हैं, ठीक है, उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और वो गलत तरीके से जीतती हैं। तो दोस्तों वो चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। और 1975 में जब फैसला आया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, जो इंदिरा गांधी जी की सदस्यता थी एमपी की वो रद्द कर दी और उनको 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, मतलब वो 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। और फिर इंदिरा गांधी जी गई सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश था उसको सेम टू सेम रखा इससे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात अलग रही कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनको ये तो बोलते कि आप 6 साल के लिए अयोग्य हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी आप प्रधानमंत्री पद से हट जाइए, तो वो प्रधानमंत्री बनी रही, इसकी इजाज़त उनको सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, लेकिन वो वोट नहीं कास्ट कर सकती थी। इन सब को मिलाकर इंदिरा गांधी जी काफ़ी गुस्से में थी, ठीक है। और उसी समय देश में अनेक आंदोलन हो रहे थे, जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इनसे संबंधित अनेक आंदोलन हो रहे थे। और उनके बड़े नेता कौन थे? उनके थे जयप्रकाश नारायण, जेपी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस। दोस्तों ये सब उस समय बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे थे। और जब इनका फैसला आया हाई कोर्ट का, ठीक है, और इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गई और बाद में इंदिरा गांधी जी ने उसको मानने से भी इनकार कर दिया, तब ये दोबारा सब मिलकर इनके अगेंस्ट हो गई और देश में अनेक जलसे जुलूस निकाले गए, आंदोलन किए गए, ठीक है। इसी से घबरा कर 25 जून को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी। इमरजेंसी दोस्तों घोषित होते ही जितने भी बड़े विपक्ष के नेता थे उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया, ठीक है, और उस समय जो मौलिक अधिकार थे वो सस्पेंड कर दिए गए, ठीक है। आर्टिकल 19, आर्टिकल आपका 21, 22, इनको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। एक तरह से दोस्तों पूरा देश जेल खाना बना दिया गया, सभी बड़े नेताओं को जेल में रख दिया गया। और दोस्तों प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। दोस्तों ये जो पीरियड था इसको भारतीय संविधान का काला अध्याय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मुख्य नेता अपने पता लग गए जयप्रकाश नारायण थे उस समय के इमरजेंसी के दौरान, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई और जॉर्ज फर्नांडिस, ये बड़े नेता थे। और जो दोस्तों इसका प्रभाव हुआ, जो ठीक है, इस सारे इमरजेंसी का प्रभाव हुआ, विपक्ष के नेताओं को जेल में रखा गया, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई, इनके लिए अलग से आचार संहिता बनाई गई, ठीक है। दोस्तों कोई भी न्यूज़पेपर सरकार के बिना कुछ लिख नहीं सकता था,
कुछ आप मीडिया हाउस को छोड़ दीजिए, जैसे उस समय इंडियन एक्सप्रेस था, बीबीसी था, इन्होंने सरकार की नहीं मानी, अदरवाइज सब दौर में आ चुके थे। और दोस्तों उसी समय लोगों पर अत्याचार बढ़े और एक मीसा कानून लाया गया फ्रेंड्स, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत ही विपक्ष के बड़े नेताओं की और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी की गई मीसा एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे आपातकाल कितने टाइप के होते हैं। देखिए आपातकाल के बारे में संविधान के भाग 18 में इसका जिक्र किया गया है और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक के आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात की गई है। पहली है अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, जिसमें किसी दूसरे देश से युद्ध होना, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन इसमें शामिल है। दूसरा फ्रेंड्स अनुच्छेद 356, अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है या प्रेसिडेंट रूल लगता है। तीसरा फ्रेंड्स अनुच्छेद 360, अगर देश में वित्तीय अस्थिरता हो जाए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। आज तक देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, ये आपको याद रखना है। अगर बात की जाए दोस्तों ये जो इमरजेंसी का प्रोविजन है ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। अगर दोस्तों नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो वो अभी तक तीन बार लगी है। पहली 1962 में, 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। दूसरी इमरजेंसी लगी दोस्तों 1971 में, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश बना था। तीसरा दोस्तों 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल डिस्टरबेंस का नाम देकर देश में इमरजेंसी लगाई थी। जो आपने दोस्तों पढ़े हैं धर्मनिरपेक्षता समाजवाद, वो 42वें संविधान संशोधन में ही उनको लाया गया था। अब इसके दोस्तों कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो इमरजेंसी लगती है वो राष्ट्रपति लगाता है। कब लगाता है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों जैसे इमरजेंसी राष्ट्रपति ने लगा दी, वो कब लगाएगा, जब मंत्रिमंडल लिखित में सिफारिश करेगा। जब मंत्रिमंडल लिखित में सिफारिश करेगा तभी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। लेकिन दोस्तों 1975 में ऐसे नहीं हुआ, इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ ओरली बोला था, मौखिक रूप से बोला था, कोई लिखित सिफारिश नहीं की गई थी। तो दोस्तों अगर इमरजेंसी लग गई तो उसके बाद क्या होता है, 30 दिन के अंदर दोनों सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से, 2/3 के बहुमत से इसको पास कराना भी जरूरी होता है। मतलब कि मान लीजिए जितने भी लोकसभा में, मान लीजिए लोकसभा है, जितने भी मेंबर हैं लोकसभा में, पहली बात तो सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए 50% से अबो, फिर जितने वहाँ पर उपस्थित हैं और जितने वोट करने वाले हैं उनका 2/3 लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। जब यहाँ से बिल पारित हो जाता है दोस्तों उसके बाद इसको पास माना जाता है। इस तरह से दोस्तों दोनों सदनों से उसका अनुमोदन जरूरी है या पास करना जरूरी है। इस दौरान दोस्तों सभी मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए थे। 42वां संविधान संशोधन लाया गया 1976 में और अनुच्छेद 14 जो कहता है कानून के समक्ष समानता या समानता का अधिकार। आर्टिकल 21 में दोस्तों क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। आर्टिकल 22 में दोस्तों जैसे किसी को पकड़ लिया गया तो वो जमानत भी नहीं मांग सकता था, तो इस तरह से कानून लाए गए। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 19 जिसमें आप बोल नहीं सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, संघ नहीं बना सकते थे, उन पर भी बैन लगा दिया गया, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार मौलिक अधिकारों का हनन किया गया उस समय। और दोस्तों ज़बरदस्ती उस समय जो इंदिरा गांधी जी के लड़के थे संजय गांधी, परिवार नियोजन चला दिया, नसबंदी कर दी गई लोगों की। तो एक तरह से ये टोटली कुल मिलाकर काला अध्याय है भारतीय लोकतंत्र का। और दोस्तों क्या हुआ, 42वें जो संविधान संशोधन था दोस्तों उसमें जो मौलिक अधिकार थे उनकी जगह नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। और जो दोस्तों इससे पहले 40वां संविधान संशोधन आया था उसमें केंद्र सरकार को असीमित अधिकार दे दिए कि केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। और जो 38वां संविधान संशोधन आया दोस्तों उसमें न्यायपालिका से आपातकाल की समीक्षा के अधिकार भी छीन लिए गए। और 44 लेकिन फ्रेंड्स अच्छा क्या हुआ, जब दोबारा 1977 में दोबारा चुनाव हुए उस समय लोगों ने क्या किया, कांग्रेस को बहुत बुरी तरह पराजित किया और जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक है दोस्तों 1977 में किसकी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके मुखिया कौन थे, मोरारजी देसाई।
और जो जनता पार्टी की सरकार थी फ्रेंड्स, उसमें कई जो दूसरे विपक्ष के नेता थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे और आडवाणी जी भी थे, मुलायम सिंह जी भी थे, लालू प्रसाद यादव जी भी थे, तो ये सब जनता पार्टी के हिस्सा बने एक तरह से आप कह सकते हैं। और जनता पार्टी से टूटकर ही 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, आपको इस फैक्ट को भी याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों, जो हमारी मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, 42वें संविधान संशोधन के अपोजिट 44वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसमें जो 42वें में जो कमियाँ थी उसको ठीक किया गया, एक तरह से ये पुनर्व्यवस्था की गई, ठीक है दोस्तों, और उससे संविधान दोबारा मजबूत हुआ। अगर कोई पूछे आपसे 44वां संविधान संशोधन कब लाया गया, तो 1978, 42वां 1976 और 44वां 1978। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि वो एक काला अध्याय था, जिसमें प्रेस को कुचल दिया गया था, लोगों को जेल में डाल दिया गया था, उनके लगभग सभी मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे और पूरे देश को जेलखाना बना दिया गया था। भारतीय इतिहास में दोस्तों इसका बहुत लंबा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, और भगवान ना करे कभी दोबारा ऐसा हो, क्योंकि वो समय बहुत ही बुरा था। आपकी दोस्तों इसके बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, इससे भी जो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे भी फैक्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई क्वेरी आपकी, तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।